गुड मॉर्निंग, ये हो गई हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है नाश्ते में पराठे, दही और अंडा फ्राई। हाय तायबा, नाश्ता करो और क्या करो, अपने अपने घर जाओ। चलें जी। और ये है जनाब आलिद यूनिवर्सिटी रोड, एज यूजुअल माशाल्लाह। मौसम का ये हाल है, चलो आगे बढ़ो। देखें आप ये रोड और अब हम जा रहे हैं अपने घर और देखते हैं क्या होता है रास्ते में, वो फिर हम आपको दिखाते हैं। डिग रोड, तो डिग रोड से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है शारफ़ फैसल। स्टार्ट तो खैर वो ख़ैदराबाद और मेट्रोपोल के दरमियान है, लेकिन ये कि शारफ़ फैसल का जो है कट यहाँ से पड़ता है। तो अब शारफ़ फैसल का जो रोड की सिचुएशन है आफ्टर बारिश, यानी कि जो पानी जमा था जो गुज़िश्ता रात जो बारिश हुई, पूरा दिन बारिश हुई है, तो आप देख सकते हो कराची में इस वक्त शारफ़ फैसल को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। मज़ीद मैंने जहाँ तक देखा और
कैमरे से मैं आपको दिखा सकूँ तो तकरीबन यहाँ से मोस्टली जगहों से पानी क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस वक्त आ गया डिगरोड स्टेशन, जैसे राइट साइड में मेरा डिगरोड स्टेशन है और यहाँ से हमारी बस चल रही है। तो आपको सिर्फ शीशे पे पानी नज़र आ रहा होगा, रोड बिल्कुल क्लियर है। साइड में थोड़ा बहुत है लेकिन उसको भी वाइपर से और झाड़ू की मदद से तो जी पूरा शहर तो सूखा पड़ा हुआ है। ये है वायरलेस गेट एयरपोर्ट, यहाँ पे है भी थोड़ा पानी, ऊपर से दिखा दिया। कल की बनारस से तो आज पानी बहुत कम है। सूरज ये हैदराबाद से आ रहा है रोड, पानी की क्वांटिटी बहुत सारा जो है निकल चुका है। दरिया है ना ये वाला, हमने इसको क्रॉस करना था लेकिन हम यहाँ से नहीं जा सकते। अब हम जाएंगे यहाँ से, ठीक है जी। ये आ गया आपका जनाब वाली एयरपोर्ट, कहाँ एयरपोर्ट, ये रहा एयरपोर्ट, ये नीचे और क्लोज करूँ, ये रहा एयरपोर्ट। चलिए ये है वो दरिया जो हमें अबूर करना पड़ेगा, लेकिन हम इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं और आगे भी यहाँ पे काफ़ी चलना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ से हम रिक्शा करते हैं तक का। तो ये जो है पानी यहाँ पे जमा है और आगे यहाँ पे काफ़ी टीमें काम कर रही हैं माशाल्लाह। आप देखें लोग अपनी मदद आपके तहत भी, और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे, व्यू बड़ा प्यारा है हमारा लेकिन पानी पानी है। और ये आ गए हम अपने घर पे, ये रही चेरी, ये रहा बबलू भाई, मैं कहता रहता हर वक्त बकरा है, और ये रही मेरी प्यारी सी मानो, ठीक है, है? ये बच्चा कहाँ है, और ये इससे पूछते जरा, हाँ भाई ये बताओ कहाँ गई थी तुम, कहाँ गायब थी, हैं अपने घर में नहीं बैठा जाता, मामो ए मामो, मोमो कहाँ गई थी, पता नहीं क्या मुआयना कर रही है, तो पूछी तुम लोग कहाँ गायब थे, हैं ओ ये छोटी सी मोमो पार्ट टू, मोमो पार्ट टू, ये मोमो पार्ट वन, मुँह यहाँ रखो, ये देखो देखो ये दोनों बच्चे, ये मोमो पार्ट टू, ये मोमो पार्ट वन, ए इबली
वो बिंदी। अच्छा बिस्किट खा कर लाइए तुम मुझे अभी तो। और ये देखो, ये मोमो पार्ट टू के साथ बबलू पार्ट वन, बल्कि बबलू पार्ट टू हो गया ना ये। चलो जी, ये देखो एक छोटा सा पाला सा बेबी। मोमो पार्ट टू वाले को देना जरा, इधर वो दे। मेरे पास क्यों आ रहा है? अम्मी 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 दूर से। अच्छा चलो यहाँ से बनाएंगे वीडियो, सही है। इधर देखो, इधर देखो यहाँ, इधर देखो ना गंदे बच्चे। ये मजा आता है, ये फेवरेट स्टाइल है इसका। ओह ओहो ओहो, वाह वाह वाह, रेस्ट करो यार। यहाँ मैंने बनाया सूजी का हलवा और इसे हम इंजॉय करेंगे यहाँ टेरेस में बैठ के, हसीन सा मौसम है। और यहाँ हमारी बच्चा पार्टी अपना खाना खा चुकी है, रेडी है। बबले हलवा खाओगे चेरू? और ये छोटा सा बेबी मेरा, ये रहा मेरा हलवा। फर्स्ट टाइम मैंने बहुत थोड़ा सा हलवा बनाया, देखते हैं टेस्ट करते हैं कैसा है। और इसमें मैंने शुगर नहीं डाली, इसमें मैंने डाला गुड़। ऑयल थोड़ा सा लग रहा है, बल्कि ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, मज़ेदार। आसान आओ हलवा ट्राई करो। तो आज की शाम हमारे घर के टेरेस से देखें खुला आसमान, क्या हसीन मौसम हो रहा है। अज़ान हो चुकी है असर की, अब होगी मगरिब की अज़ान। हलवा खाते हैं, चाय पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। चल रहा है डिनर एज यूजुअल, मोमो हमारी सारे बच्चों पे घुर्राते हुए। और ये मानो के बच्चे हैं, अगर उसके अपने बच्चे होते कभी घुर्राती नहीं। ये खा रहे हैं कलेजी और मोमो। नो नहीं डांटो वो। जनाब आज के मेन्यू में हम रात का खाना बना रहे हैं चावल, उसके साथ यहाँ फ्राई हो रहे हैं पापड़, और यहाँ हम बनाएंगे दाल फ्राई ढाबा स्टाइल, ढाबा स्टाइल। तो ये सारी चीज़ें रेडी करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। यहाँ मैंने बनाया है इसका मसाला, जैसे तो होटलों में बनता है, जिससे तो मैंने बताया कि हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। तो इसमें मैंने डाले नमक, फिर हल्दी, थोड़ा सा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, और स्टार्ट में डाला था ऑयल जैसे गर्म हुआ था उसमें मैंने ज़ीरा और लहसुन अदरक थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद टमाटर ऐड किए और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फ्राइड ओनियन डाली है। इसको अच्छी तरीके से भूनने में टमाटर गल जाए, फिर हम मेरे पास है दाल बॉयल हुई, इसके अंदर ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी है बॉयल हो चुकी है। फिर इसके अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे, ऊपर से गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चों से। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फ्राइड ओनियन में डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से फ्राई वो भी कर सकते हैं भगा, अगर आप चाहें बटर से कर लें, घी से कर लें, लेकिन मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, ऑलरेडी इसमें ऑयल है। तो ये इस तरह से बनती है ढाबा स्टाइल की दाल। इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स, जब ये देखेंगे टमाटर हमारे अच्छी तरह गल गए तो हम इसको फिर डाल मिक्स कर देंगे। यहाँ पर यहाँ मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया और इसको मैंने हरी मिर्च इसमें काटती हैं, और थोड़ी सी फ्राइड ऑनियन है। जब दाल रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर इसको एक बार से टॉपिंग कर देंगे। हमारे पास रेडी हो गया, अब चाहें तो आप इस मसाले को दाल में मिक्स कर दें या फिर दाल को इस मसाले में मिक्स कर दें हम, क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं इस मसाले को इस दाल में मिक्स कर रही हूँ। तो मसाले को हमने बॉयल दाल में मिक्स कर दिया, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको एक दफ़ा हम रखेंगे चूल्हे पर। तो यहाँ दाल को हमने मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से, इसको हमने चूल्हे पर दोबारा रख दिया। पानी इसके अंदर हमने बिल्कुल भी नहीं डाला, पानी इसका सिर्फ वही है जिसमें हमने दाल को बॉईल किया था। दाल बॉईल करने के बाद इसको हम तकरीबन 10 मिनट जो है मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि मसाले जो हमने फ्राई किया था सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर हम इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जनाब दाल हो गई है यहाँ पर हमारी रेडी, इसके अंदर अब हम डाल देंगे हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें और ब्राउन फ्राइड ओनियन,
थोड़ी सी। तो ये हो गई हमारी दाल रेडी और ये आ गया हमारी राइस। इसके अंदर डालेंगे हम ये दाल और डालेंगे इसके अंदर सलाद। ये था हमारा आज का व्लॉग और आज का व्लॉग हम करते हैं एंड यहाँ पे। इसके साथ ही हमारा डिनर हो गया रेडी, खाना खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं कल इंशाल्लाह नए व्लॉग में। जब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ व्लॉग बाय समीना। जब अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।